सिंघिया के बिजली उपभोक्ता परेशान है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत श्रीपुर मऊमान के बिजली उपभोक्ता राम ललित पासवान बिजली की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल निकालने वाले मासूम को 6500 रुपया दिया, परंतु ये बिल जमा नहीं किया, जिस कारण ब्याज बढ़ रहा है। वहीं बिजली विभाग के कर्मी लाइन काट देने का धमकी दे रहा है। और मैं जब भी सिंघिया बिजली विभाग में अपनी समस्या को लेकर आता हूँ तो कनीय अभियंता नहीं मिलते हैं, बराबर अनुपस्थित ही रहा करते हैं। बस कैले खाली रहे तुम क्या बोले लो? 3 बार सर हम आए हैं, 1 बार भी नहीं मिला। नहीं आज भी, आज चौथा दिन आए हैं, आज भी कह रहे नहीं है, कल का कोई पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार पासवान। घर? श्रीपुर मार। किस मामला के लेकर बिजली ऑफिस आए हैं, क्या हुआ? सर हम बिजली विभाग के लेकर आए हैं, हमारा पेमेंट पैसा मैं 22 में दिया हूँ, 23 में दिया हूँ, हमारा पेमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ है। किसको दिए हैं, कितना पैसा जमा किया? 6500 रुपया दिए हैं मासूम का। अब बिल नहीं आता था, उनसे पूछे तो 700 रुपया मेरा एक्स्ट्रा भी लिया है कि आपको 700 रुपया जमा करो तब आपको बिल निकलेगा, तो वो भी रुपया दिए हैं, तो उसका मेरा मैटर नहीं है, उसका रिसीविंग नहीं दिया है। तो जो 3000 एक बार दिए हैं, 3500 एक बार दिए हैं, उसका मेरा पास उसका साइन का सारा सिस्टम मेरे पास है। ऑटोमेटिक कितना पेमेंट दिया सर? 6500 रुपया। 6500 दिया जी, जिसमें बिल जमा हो चुका है? बिल नहीं हुआ है जमा। क्या हुआ था? वो जमा ही नहीं कर रहे हैं आजकल, अब 6 महीना से आजकल हम दौड़ भरा कर रहे हैं उनके पास, वो जमा ही नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है हमारा। बिल निकल रहा है? बिल निकल रहा है, हम अपना जितना जीरो पैसा था मैं सारा जीरो कर चुके हैं, जो मेरा पैसा फंसा है वही मेरे पास रुका हुआ है बिल। क्या कहा ऑफिस, क्या कह रहा है? ऑफिस में है ही नहीं जैसा, आप तो क्या करेंगे, इसके पास आए हैं तो ये रिसीविंग ले नहीं रहे, दूसरा कोई है तो जे नहीं है। जी जी जय नहीं, जैसा नहीं आते हैं जी, प्रायः गायब ही रहते हैं। 5 बार आ चुके हैं, बार बार गैप हो जाता है, मिलता ही नहीं है हमें। क्या नाम है आपका? हीरालाल पासवान, राम ललित पासवान सर मेरा पिताजी का नाम हुआ, मेरा नाम हीरालाल पासवान हुआ। घर? घर श्रीपुर मोहन। बिजली रीडिंग करने आता था सुमा का है, वही है। आप लोगों के यहाँ बिजली रीडिंग करने के लिए वही मासूम सिंह आता था जी? कहाँ घर है होकर? सुमा। वही रीडिंग कर रहा था, उसी को आप पैसा दिए? पैसा दिए। तो आप तो लीगल जगह पे पैसा दिए, क्योंकि उसी को पैसा देना होता जी, है जी। अगर ऑनलाइन लोग पेमेंट नहीं कर पाता तो उस समय जो रीडिंग करने के लिए आता वही जमा करता जी, जी। तो क्या बोल रहा है? वो बोला हो जाएगा। आज हमारे दूसरा आदमी आया, वो बिल निकाला, मेरे पास इतना बिल आ गया तो मैं सारा बिल इकट्ठा कर दिया हूँ, जो मैं 6500 रुपया दिया हूँ, वो बोला पेमेंट नहीं हुआ है। 6500 रुपया तो फिर मांगते हैं? मांगते हैं, आजकल 6 महीना से कर रहे हैं, वो मेरा सुन नहीं रहे कोई जी। हिसाब से कभी भेंट भी नहीं जी, हुई? नहीं हुआ है। फोन पे बात हुई है? नहीं, फोन पे भी बात नहीं हुआ। आते हैं ऑफिस से वापस चला जाते हैं। फोन लगाए कि नहीं कभी? जय को जी, जय का नंबर सर का मेरे पास नंबर नहीं। लगाए हैं फोन रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? इसको हमारा सुनवाई करना चाहते हैं कि हमारा जो रुपया जो आक्सिम दिए हैं वो हमारा वापस होना चाहिए। तो आवेदन रिसीव भी नहीं किया गया है, तो आप क्या कीजिएगा? आपको सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो बढ़िया अधिकारी के पास जाके देखिए एक बार जी। आप लोग इसीलिए तो बुलाए गए हैं कि देखिए सर, ये दिन है रात है, हमारे पास कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कानून।